Welcome to Hindustan BBC Online Digital News Channel. ये मुलताई निवासी हैं श्री आशीष पाटिल, 30 वर्षीय हैं ये, मुलताई में हैं। इन्होंने 2018 में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए जिला अंत्यवसायी समिति बैतूल से 8 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कराया था, जिसकी हर साल इनको सब्सिडी भी मिलना थी, ब्याज की सब्सिडी। तो इस वर्ष इनको 2019 में पहली बार सब्सिडी मिलना थी, जो करीब 20 से 25 हज़ार रुपये थी। उस सब्सिडी को निकालने के एवज में यहाँ पदस्थ फील्ड ऑफिसर श्री उमेश जैन इनसे करीब 10% रिश्वत की मांग कर रहे थे, मतलब 25 हज़ार के हिसाब से करीब 2500 रुपये रिश्वत की मांग इनके द्वारा की गई थी। कल आवेदक आशीष पाटिल भोपाल एसपी साहब के समक्ष पेश हुए थे, जहां पर इन्होंने रिश्वत मांगने संबंधी आवेदन दिया था, जिस पर इनकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी आरोपी की उसको सुना गया और यह पाया गया कि श्री उमेश जैन के द्वारा रिश्वत की मांग की गई है। तो आज आवेदक को लेकर और हमारी टीम के साथ आकर हमने इनको ट्रैप किया है, श्री उमेश जैन को, जो फील्ड ऑफिसर हैं यहाँ बैतूल में। कितनी राशि बरामद हुई सर? अभी राशि बरामद की कार्रवाई की जा रही है, 2000 रुपये राशि रही है। पोल्ट्री फार्म के लिए, और उस समय जब मैंने लोन पास किया था तो उस समय मैंने यहाँ पे फाइल दी थी और फाइल मेरी यहाँ से पास हुई थी। उस समय मुझे बोला गया था कि जब आपकी जो 2 लाख की जो सब्सिडी मिलती है सरकार द्वारा, तो जो सब्सिडी मिलेंगी उसमें आपको 10% देना होगा। तो उस समय क्या हुआ सर कि 10% जो देने की बारी थी, तो उस समय यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, आपने भी देखा होगा, यहाँ पे पूरे विधायक लोग आए हुए थे और उस समय सब लोगों को जो हाथों हाथ सब्सिडी का जो लेटर था वो दे दिया गया था। तो उस समय मैं यहाँ पे जो इसकी रकम होती है ना पैसा, तो वो देने से मैं बच गया रिश्वत देने से। मगर अभी क्या हुआ है कि इसमें सरकार द्वारा हर साल 5% की जो सब्सिडी दी जाती है लोगों को, तो उसमें इन्होंने इसकी जो मांग करी थी कि मुझे बोले ये फाइल अगर आपकी पास करवाना है तो उसके लिए आपको 10% देना होगा। लगभग 20 से 25 हज़ार जो मिलती है सब्सिडी 5% के हिसाब से ब्याज सब्सिडी, उसका अपने 10% देना होगा, लगभग जो 2 से 2500 रुपये होती है। अभी मैंने लगभग 2000 की यहाँ पे उन्होंने दिया है, मैंने उन्हें है ना रिश्वत दी हुई है। मांग कितनी की? ठीक है, 10% की मांग की गई थी है ना, 2 से 2500, मतलब जितनी सब्सिडी मिलेंगी उसके 10% देना है।